हाँ गलती होगी मुझसे। क्या सुंदर। तो हाँ दोस्तों, हाई नाना तेलुगु में और हाई पापा हिंदी में नानी एंड मुन्नलाल ठाकुर स्टार मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। इसका मैं टीजर भी रिएक्शन किया, आप लोग जाकर चैनल में देख सकते हो। और टीजर में देखा था तो मैं उस वक्त बोला था कि ये मस्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनल मूवी होने वाला है। मस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इसका इमोशन इतना सही है और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भाई हसम अब्दुल वहाम के वाहव की क्या अच्छा क्या कमाल की इसका बैकग्राउंड म्यूजिक था। अब इसका ट्रेलर देखते हैं कैसा क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं। अपना मुन्नलाल ठाकुर क्या सुंदर दिखती है पता नहीं आप लोगों को। सीताराम में जाकर देखो और इसी क्या अभी टीजर में जाकर देखो। अभी ट्रेलर देखते हैं स्टार्ट। ओके देयर इज अ किंग। बाप बेटी के प्यार के बीच में है ये मुझे। मैं बोला इमोशनल में वैसे ही होगा। शुरुआत बहुत ही शांत सिंपल नेचुरल स्टार्ट में नानी नानी का एक्टिंग भाई ब्यूटीफुल डॉटर तारा इसमें ये शर्ट ये मुझे ग्रीन पसंद है। ओके इमोशनल तो होने वाला नो डाउट। ओके इसका माँ के क्या राज है भाई। ओके क्या सुंदर है बंदी, इसको देखने को मन करता है। यशना मिस यशना क्या मैं अपनी बेटी से प्राइवेटली बात कर सकता हूँ। ओके मामा की सोच समझना। एक खूबसूरत शहर था मैं उस दिन मेरे सामने वंडर पापा वे मैं इमेजिन किसे करूं मम्मा की जगह किसे मैं करूं मुझे इमेजिन कर। इमोशनल तो होने वाला नो डाउट। प्यार प्रेम प्योरपन बहुत ही है। और इसका सॉन्ग अच्छा होगा भाई देख कर लग रहा है। कुछ नहीं चाहिए सच्चाई बतानी पड़ेगी। सर भैया क्या सही डायरेक्शन किया भाई। सरयुग सरयुग नाम है इसे राइटर का। ओहो क्या सुन। पर एक चीज में तुम दोनों और एग्जैक्टली सेम। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो भाग जाते। ओहो पास्ट में कुछ घाटा है भाई सरयुग की वजह से कितने दुख झेले हैं। ओके प्यार में उसने अब तक जो कुछ भी सहा है काफी है। पसंद क्यों नहीं करती थी। कहाँ गलती होगी मुझसे। क्या इमोशनल है भाई क्या इमोशनल है। प्यार काफी लग रहा है बेस्ट इमोशनल प्योर इमोशनल मूवी। सेवन दिसंबर को आ रहा है। तेलुगु तमिल हिंदी कन्नडा एंड मलयालम मूवी में आने वाला है। बाकी सब में हाई नाना नाम है और इसमें हिंदी में हाई पापा नाम है मूवी का। सौरव यूव इसका डायरेक्टर है भाई। अब बंदे आप अच्छे इमोशन पकड़े हो और मुन्नलाल ठाकुर को लेकर तो आप तो कमाल किए हो। मुन्नलाल ठाकुर ऐसे मूवी के लिए फिट कमाल धमाल बैठता है। और अपना नानी का एक्टिंग तो भाई क्या सही भाई। बंदा आँख से अपना एक्टिंग दिखाता है आँख से। ओहो ये मूवी में कहानी क्या है कि एक बेटी और बाप के बीच प्यार है। उसका माँ नहीं होता है और माँ का जो स्टोरी है नहीं बताता है और बाद में शायद गलत बताता है। इसमें बोलता भी है कि कब तक छुपा के रखोगे किसी ना किसी दिन तो बताना पड़ेगा। शायद डार्क स्टोरी होगा। और वो बोलते हैं ना कि मतलब वो कहानी सुनाता था मैं किसका इमेजिन करूँ तो इसमें अपना मुन्नलाल ठाकुर लगता था मुझे इमेजिन कर दो। और दोनों के बीच के जो बॉन्ड दिखाते हैं तो एक डायलॉग बोलते हैं कि तुम दोनों में एक ही सिमिलरिटी है कि दोनों ट्रबल आते मतलब भाग जाते हो ट्रबल से सामना नहीं करते हो। इससे मतलब पास्ट में लगता है कुछ बहुत ही गंदा हुआ है अपना ये नानी के कैरेक्टर के बहुत ही गंदा। और वो गंदा नहीं बेटी देखी और वो बेटी को अच्छे से पालने की मतलब बेटी का प्यार जो होता है ना भाई बच्चे का प्यार आप लोग पता है एक माँ बाप कब बनता है ना जब बच्चे आपको बापा या माँ बोले उस वक्त क्या फील होता होगा मुझे पता नहीं है।
पर शायद होता होगा, क्योंकि मुझे जितना भी मूवी देखकर, जितना भी मैं जहाँ पे भी देखा हूँ ना, वहाँ पे देखता हूँ कि पहले बहुत ही अलग किस्म का आदमी होता है, और जब उसका बाल बच्चा जो भी हो, बेटा हो बेटी हो, उसके बाद में अलग चेंज होता है भाई, एक मतलब होता है ना ड्रास्टिक चेंज होता है, यहाँ से पौधे चेंज, तो कुछ ना कुछ होता होगा। तो ऐसा ही इसमें भी दिख रहा है कि मतलब जो चेंज है ना, वो चेंज कैसा चेंज है, वो पास्ट और ये प्रेजेंट में क्या वो ये कहानी चल रहा है। तो जो कहानी है वो अच्छा है, इम्प्रेसिव है। इवन इसमें जो है ना म्यूजिक, भाई हसम अब्दुल क्या सही म्यूजिक दिया हो, इसका हर एक सॉन्ग इम्प्रेसिव है। मैं इसका सॉन्ग एक दो सुनाऊँ, और जो इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक जो इसमें मतलब जहाँ जहाँ पे चाहिए म्यूजिक क्या सही है, डायरेक्शन बहुत ही कमाल के, एक्टिंग अपना नानी मन्ना ठाकुर बहुत कमाल के, ओ और क्या बोलो, ये मूवी बहुत ही कम स्टार्ट लेगा पर ये मूवी चलेगा, और ये मूवी का टाइम भी ठीक ही बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि अपना 1 दिसंबर को मूवी आ रहा है सैम बहादुर, उसके बाद में एनिमल हिंदी में, तो ये 7 दिसंबर आया, 7 दिसंबर का कोई मूवी नहीं आ रहा, ये सिर्फ आ रहा है, तो 7 दिन के बाद भी कुछ कम हो जाता है, किसी के मूवी के हाइप ना 7 दिन बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा कम होता है, यहाँ पर चलेगा, और उसके बाद में 15 तारीख को कुछ भी नहीं आ रहा था, 15 तारीख तक ये चलेगा, और 21 तारीख का जाकर 22 तारीख का अपना सलार या अपना ये वो डंकी आ रहा है, तो इसको टाइम मिलेगा, 15 दिन का टाइम है, तो अच्छा बात है, 15 दिन में कमा लेगा, तो वो मुझे लगता है कि ये मूवी अच्छा होगा, इमोशनल टच करेगा, तो लोग इसको कम से कम ये हिट तो हो जाएगा, मुझे लिख कर लो ये हिट हो जाएगा, क्योंकि ये मूवी है। तो आप लोग ये ट्रेलर नहीं देखे हो हाई पापा या हाई नाना का, तो रजिस्ट्रेशन में लिंक है, जाकर देखिए, और देख लिए तो प्लीज़ कमेंट करिए आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा बुरा लगा प्लीज़ कमेंट करो, और सपोर्ट करो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।